तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैप्स आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो अगला अपना टॉपिक है वो है आपका टॉपिक एज बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा? आयु से संबंधित प्रश्न है। आयु से संबंधित प्रश्न है। आयु से संबंधित प्रश्न है। इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं आपके। एक क्वेश्चन बनते हैं जो दो तरह के बनते हैं आपके। एक तो बनता है क्वेश्चन आपका जो होता है रेशियो यानी अनुपात बेस्ड, एक आपका रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरे प्रकार के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वो बनते हैं आपके एवरेज बेस्ड, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ बनते हैं आपके रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, आपको हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक करके कराया जा रहा है कि पहले देखो, हमने आपको रेशियो भी करा दिया है और एवरेज भी अभी हाल ख़त्म हुआ है, कल ही ख़त्म हुआ है आपका एवरेज। तो इसी पर बेस्ड, इसी से लिंक, जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं, आयु वाला जो चैप्टर होता है, इसी से लिंक होता है। तो इसके बाद हम आपको ये करा रहे हैं। तो इसमें दो प्रकार के सवाल बनते हैं आपके, रेशियो यानी अनुपात पर बेस्ड क्वेश्चन और एवरेज यानी औसत पर बेस्ड क्वेश्चन। तो आपका ये पहला क्वेश्चन है, ये रेशियो बेस्ड पहला पार्ट पढ़ेंगे हम, जो उसमें करेंगे हम रेशियो बेस्ड क्वेश्चन। और जो दूसरा पार्ट होगा आपका इसी में, उस पे करेंगे आप एवरेज बेस्ड क्वेश्चन। तो आयु में सवाल बनते हैं, जो ये पहला सवाल आपको लिख के दे दिया गया है, इसका मेथड भी आपको बताया जाएगा। और मेथड के बाद आपको एक सरल सी ट्रिक बता दी जाएगी जिसमें आपका कम से कम टाइम ले, यानी कम से कम आपका टाइम खर्च हो सके, यानी कम समय में आप अधिक कर सकें। तो पहले करेंगे हम क्या, रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपका ये पहला क्वेश्चन है तो पहले हम इसे करेंगे। पहले आप इसका मेथड करेंगे, फिर इसके बाद एक मेथड बताने के बाद आप इसकी ट्रिक करोगे। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो राम की जो वर्तमान आयु है वो आपको ज्ञात करना है। तो आप लिख लीजिए कि राम और श्याम की जो वर्तमान आयु है, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है? 4:5 है। यहां तक आपका हो गया, लेकिन वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। तो आप क्या करोगे, मेथड से करोगे जब, तो आप मान लो कि इनकी आयु एक्स है, तो यहां पे क्या हो जाएगी, 4x, यहां पे हो जाएगी 5x। लेकिन 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद को कैसे डिनोट करते हो, तो इसे भी आप लोग डिनोट करके देख लें। देखो, अगर आप 0 मानेंगे, 0, या आप यहाँ पे ये लिख लीजिए कि माइनस कोई सब्जेक्ट है, माइनस ए, ये माइनस ए है, तो ये होगी आपकी जो होगी पूर्व, यानी पूर्व के वर्ष होंगे, ये पूर्व का वर्ष होगा। और अगर आप 0 मानते हैं यहाँ पे, तो ये हो गए आपके वर्तमान, ये क्या होंगे आपके वर्तमान। और अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, प्लस ए मानते, एम ए दिया जाए, प्लस ए यानी बाद में दिया जाए, पहले दिया जाए तो माइनस से डिनोट करोगे, वर्तमान में दिया जाए तो 0, ना ही आपका 4 या 5 वर्ष कम है, ना ही 4 या 5 वर्ष ज़्यादा है, 0 है। और यदि आपको बाद में दिया जाए, बाद में यानी कितने भी वर्ष दिया जाए, तो मानेंगे आप प्लस। तो यहाँ पे दिया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाता है, 5 वर्ष बाद कह रहा है। आपको ये क्या दिया है, 0, यानी आपको वर्तमान दिया है, वर्तमान के बाद वो कह रहा है आपसे कि 5 वर्ष बाद, प्लस लगा दोगे तो इसके 5 वर्ष बाद आ जाएगा, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 इसमें जोड़ोगे, 5 इसमें जोड़ोगे, क्या करोगे, 5 वर्ष बाद कह रहा है वो आपसे, तो क्या करोगे, 4x+5 इसमें करोगे, और इसमें क्या करोगे, 5x+5। 5 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या हो जाता है, 5:6 हो जाता है, यानी 5 5 जोड़ने पर क्या हो जाता है इनका रेशियो,
पांच अनुपात छः का रेशियो हो जाता है। अब इसका कर दोगे आप त्रयक गुणा, तो छः का इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, छः चौको 24 एक्स प्लस छः पंचे 30, इसका पाँच का नीचे गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पचम 25 एक्स और पचम 25। यहाँ से आप x का मान निकाल लोगे, ये 24 इस साइड जाएगा तो माइनस की हो जाएगा और 25 इस साइड आएगा तो माइनस की हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 25 पहले इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 25 बराबर 25 माइनस 25 एक्स माइनस के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 एक्स हो जाएगा। अब 30 में से 25 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 5, और यहाँ पे 25x में से 24x चला जाएगा तो क्या बचेगा, x। तो ये तो आ गया आपका x, x बराबर क्या आ गया आपका 5। लेकिन उसने पूछा है कि राम की वर्तमान आयु आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। x का मान हमने 5 क्या किया, निकाल लिया। अब राम की जो वर्तमान आयु है, दोनों की वर्तमान आयु कहाँ है, ये है। तो राम की पूछा है, राम की क्या है, 4x। राम की पूछा है तो राम की क्या है, 4x, और x का मान आपने निकाल ही लिया, कितना आया, 5। तो 4 गुणे 5 कर दोगे कितना आ जाएगा, 20। ये 20 वर्ष आ गई किसकी आयु, राम की आयु, ऑप्शन नंबर आपका बी। आप इसे नोट कर लें, इसी इसका ही एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, अच्छा ट्रिक है, सरल ट्रिक है, जल्दी से आ जाएगा आपका, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, तो आप इसे नोट कर लें, फिर इसे मैं साफ कर देता हूं। इसके बाद मैं आपको एक बढ़िया तरीके से एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक से आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके रेशियो पे बनते हैं उसी ट्रिक से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो बने रहिए और ट्रिक को देख लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे साफ कर देता हूँ। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसे कर देता हूँ मैं साफ, इसके बाद देखेंगे आप ट्रिक, इसकी आसान सी ट्रिक देख लेंगे। और वो ट्रिक है वो रेशियो वाले सारे क्वेश्चनों में लगेगी, कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं मिसलिनियस वाले, तो उनमें वो ट्रिक काम नहीं करती है आपकी। तो जहाँ ट्रिक काम नहीं करेगी वहाँ क्या करोगे आप, वहाँ आप मेथड लगा दोगे, क्योंकि कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि वहाँ ट्रिक काम नहीं करती है। तो इसे आप ट्रिक से देखेंगे, तो देखिए क्या कह रहा है वो, कि राम और जो श्याम, राम और श्याम की जो वर्तमान आयु थी, वर्तमान आयु का रेशियो क्या था, 4:5 था। लेकिन 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद आओगे आप तो +5 कर दोगे, 5 वर्ष बाद इनका जो रेशियो हो जाता है वो 5:6 हो जाता है, 5:6 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। अब हम इन दोनों में देख लेंगे अंतर कितने का है, अगर सेम अंतर आता है, देखिए 5 और 6 अंतर कितने का है, 1 का, यहाँ भी 4 और 1 5 अंतर कितने का है, 1 का, यानी यहाँ भी +1 का और यहाँ भी +1 का, प्लस मान लीजिए आपको तो सीधे अंतर देखना है, यहाँ अंतर आपका कितने का है, 1 का, और वर्ष में अंतर कितने का है, 5 का, ये वर्तमान से 5 वर्ष बाद जा रहे हैं तो अंतर 1 का हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आप 5 वर्ष जा रहे हैं तो यहाँ कितने का अंतर हो रहा है, 5 का अंतर हो रहा है, यानी आपका 1 का मान कितना है, 1 का मान आपका 5 है। पूछा किसका है, पूछा है कि राम की वर्तमान आयु निकालिए, राम की वर्तमान आयु निकालना है, राम की वर्तमान आयु कितनी है, 4, राम की वर्तमान आयु कितनी है, 4, तो 4 का मान निकालना है, क्या कर दोगे, 4 गुणे 5 कितना आ गया, 20 वर्ष, कितना आ गया, 20 वर्ष। यही वो पूछता कि श्याम की एज बताइए, तो श्याम की कैसे निकाल दोगे, श्याम की निकालना है, श्याम का कितना है, 5, तो क्या कर दोगे, 5 गुणे 1 का मान 5 है, 5 कर दोगे, कितनी आ जाएगी, 25 वर्ष, कितनी आ जाएगी, 25 वर्ष आ जाएगी। यही वो पूछ लेता आपसे कि राम की अगर ये वर्तमान एज पूछी है, ये पहले वाली एज दी है, और यदि बाद वाली और 5 वर्ष पूर्व की भी पूछ लेता तो आप 5 5 इसमें से 5 अगर इसकी पूछता तो इसमें से 5 माइनस कर देते, इसकी 5 वर्ष पूर्व पूछता तो इसमें से 5 माइनस कर देते। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ये ट्रिक है आपकी, हर जगह चलेगी, बढ़िया ट्रिक है, इतना आसान है, सीधे कर दोगे आप लोग, कि पहले आपको 4 4 दिया था, 4 और 5 दिया था रेशियो, लेकिन 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दिया है तो प्लस लगा दिया, 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है उसका, 5:6 हो जाता है। तो अनुपात में कितने का अंतर है, यानी डिफरेंस कितने का है, 1 का है।
और जो आपके वर्ष हैं, वर्षों में कितने का डिफरेंट है, तो ये आपका 5 वर्ष का डिफरेंट है। 0 और 5 के बीच में कितने का है, 5 का है। तो 1 का मान आपका 5 है, वर्तमान पूछी है 4 का मान निकालना है राम की, तो राम की कितनी आ गई, 20। श्याम की पूछ लेता तो 5 × 5 कर देते, 25 आ जाती। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लें, इसके बाद अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही आपको दिया जा रहा है, आप लोग करें। चलिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसे करें आप लोग। विनीत और गौरव की जो वर्तमान आयु है वो 9:7 के अनुपात में है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो अनुपात था वो 5:3 था। तो विनीत की वर्तमान आयु क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है आपको। ऑप्शन भी दिए हैं और ऐसा मैं आपको अभी हाल एक क्वेश्चन करा भी चुका हूँ, तो आप लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए 10 या 12 सेकंड तक में इसे कर दें। इसके बाद मैं इसे करा रहा हूँ, ऐसे इसी पर बेस 2-4 क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो इसे आप लोग कर दें, आराम से कर सकते हैं। विनीत और गौरव की जो वर्तमान आयु है वो आपको दी है, कितनी है, 9:7 है। किसकी, विनीत और गौरव, विनीत और गौरव की आपको वर्तमान आयु आपको दी है 0, वर्तमान आयु 0 लेते हैं अपन, तो 9:7 दी है आपको। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो अनुपात हो जाता है वो 5:3 हो जाता है, यानी 12 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो क्या करोगे, माइनस के 12 ले लोगे, तो ये 12 वर्ष पूर्व हो गया। कितना रेशियो हो जाता है, 5:3 था, यानी 12 वर्ष पूर्व इनका रेशियो इतना था और वर्तमान में 9:7 है। तो विनीत की वर्तमान आयु आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहले तो आप इन दोनों में अंतर देखेंगे, दोनों का अंतर कितना है बीच का, तो कितना है, 4 और 3 7, इसमें अंतर है आपका 4 का और इसमें भी अंतर किसका है, 4 का। ये कितना, 7 से 3 4 कम है और 5 9 से 5 कितना कम है, 4 कम है। लेकिन ईयर में कितना कम है, 12 कम है। तो देखिए 4 का मान कितना है, 12 है, 1 का मान निकाल लोगे, 4 का इसमें भाग दे दोगे 3, तो 1 का मान तो आ गया आपका 3। लेकिन कह रहा है कि तो विनीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो विनीत की कितनी है, विनीत की 9 है। तो आप 1 का मान आपको पता है, 9 का मान निकाल लोगे, 9 × 3 कर दोगे, तो विनीत की कितनी आ जाएगी, 27 वर्ष। अगर आपसे यहीं पे वो गौरव की पूछ लेता, ऑप्शन नंबर सी, गौरव की पूछ लेता, तो गौरव की यहाँ से आप क्या करते, निकाल लेते, 7 में 3 का गुणा करते, तो क्या आ जाती, गौरव की 21 वर्ष आ जाती। और यहीं पे अगर आपको वो ये पहले विनीत की आयु दी थी आपको, यहीं पे वो पूछ लेता कि 12 वर्ष पूर्व गौरव की आयु कितनी थी, तो इसमें आप 3 का गुणा कर देंगे तो इसकी निकाल लेंगे, 12 वर्ष पूर्व की। यहीं पे वो विनीत की पूछ लेता कि विनीत की आयु कितनी थी या विनीत की आयु कितनी थी, तो विनीत की 12 वर्ष पूर्व विनीत की आयु कितनी थी, तो इसमें आप 3 का गुणा कर देंगे, तो 5 या 15, यानी पहले 12 वर्ष पूर्व जब विनीत की आयु कितनी थी, 15 थी, वर्तमान में आयु 27 है। तो आपसे पूछा है कि वर्तमान में आयु, वर्तमान में आपका आ गया, जैसे आपसे पूछ ले, तो मैं वो बता रहा हूँ कि अगर गौरव की पूछ ले तो 21 होगी, 12 वर्ष पहले गौरव की पूछ ले तो 9 होगी, और 12 वर्ष पहले अगर विनीत की पूछ ले तो 15 होगी, और विनीत की उसने वर्तमान पूछी है तो वर्तमान 27 है। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, किसी का भी मान निकाल सकते हैं यहाँ से। चलिए तो आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और क्लास को शेयर जरूर कर दिया गया, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि सबको मिलनी चाहिए, कम से कम पता तो हो सभी को। चलिए दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग करें। अभी ये तो आपको प्रैक्टिस के लिए, अभी इस ट्रिक में एक टर्निंग पॉइंट और है, आगे जाके आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस ट्रिक में दिक्कत कहाँ आने वाली है, वो थोड़ा आप देखते चलिए, आगे आपको इसमें बता दिया जाएगा कि दिक्कत इस ट्रिक में आती कहाँ है। तो ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात था 11:14 था और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 के अनुपात में होगा।
तो एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो एक ही जो वर्तमान आयु है वो क्या होगी। तो आप लोग इसे आराम से कर सकते हैं, सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन एक आगे करा दिया गया है, तो इसे आप नोट भी करते रहें, नोट्स बनाते जाएं और इन्हें सॉल्व करते जाएं आप लोग, क्योंकि एक बार नोट्स बना लेते हो तो कभी भी भूलते हो तो देखने में सरलता होती है आपको। ए और बी क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष कब, 4 वर्ष पहले यानी पूर्व, तो माइनस के 4 क्या था इनका रेशियो का अनुपात, 11:14 था, 11:14 था। और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 13:16 हो गया। अब 4 वर्ष बाद यहाँ पे आपका वर्तमान, फिर वर्तमान के 4 वर्ष बाद, ये प्लस के 4 वर्ष बाद कितना हो गया इनका रेशियो, 13:16 हो गया। अब इन दोनों का आपको अंतर देखना है, कितने का है, 2 का, इसमें कितने का है, 2 का। और यहाँ से 4 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद के बीच का अंतर देख रहे हैं आप यहाँ पे और यहाँ पे, कितने का है, दोनों का। अगर माइनस, आप ऐसे सोचिए कि 4 वर्ष पहले, यानी आप खुद को उदाहरण लीजिए कि जैसे हमारा जन्म हो गया 4 वर्ष पहले, अब हमारे के 4 वर्ष बाद किसका जन्म हुआ, यानी हम तो पैदा हो गए और हमारी उम्र है अभी कितनी, मान लीजिए हमारी उम्र है 4 वर्ष, हम पैदा हो चुके, हमारी उम्र है 4 वर्ष। अब हमारे 4 वर्ष तो ये हमारे हो गए, अब 4 वर्ष बाद हमारा हुआ भाई, ये हुआ हमारा भाई, और भाई के बाद जब भाई भी 4 वर्ष का हो गया, कितने का, 4 वर्ष का हो गया, तो टोटल आपसे लगा के आपके होने से यहाँ तक का कितना अंतर है, 8 का। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 8 का। तो 2 का जो यहाँ पे, तो 2 का अंतर है रेशियो में, लेकिन वर्ष में कितने का है, 8 का है। 1 का मान कितना आ गया आपका, 4, 1 का मान 4 आ गया। और एक ही वर्तमान आयु पूछी है आपसे कि एक ही वर्तमान आयु क्या होगी, तो आप एक ही वर्तमान आयु 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप 4 वर्ष बाद का आयु निकाल लो, या 4 वर्ष पहले की आयु निकाल लो। तो 4 वर्ष पहले की हम निकाल लेते हैं, एक ही 4 वर्ष पहले की आप निकाल लोगे, 11 × 4 कितनी हो गई, 44। अब ये तो 4 वर्ष कब की है, 4 वर्ष पहले की आप निकालोगे वर्तमान की, यानी 0। तो वर्तमान की निकालोगे तो क्या करोगे, 44 में 4 कर दोगे प्लस, तो कितनी हो जाएगी वर्तमान आयु, 48 वर्ष। तो एक ही जो आयु हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 48 वर्ष हो जाएगी। ये बी आपका आंसर। अभी रुक जाइए, अभी तो ट्रिक में और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, वो भी सीख लीजिए। अभी ट्रिक में और टर्निंग पॉइंट है, अभी तो यहाँ और वहाँ देख रहे हैं, अभी इनके बीच वाला जो ट्रिक में आने वाला है वो आप देखेंगे, तो बने रहिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको आयु में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एक बार आप पढ़ें तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें, इसी में वो टर्निंग पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता था ट्रिक में, तो वो आप देखिए, इसी में है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 6:1 के अनुपात में है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, तो आप लोग कर सकते हो, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है, आप लोग करें, ट्राई करें इसे एक बार, और क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, तो इसे कर सकते हैं आप लोग। आपकी जो एज की क्लासें होंगी आयु की, वो लगभग 2 क्लासें या 3 क्लासें होंगी, इसमें आयु आपको ऐसे पढ़ा दिया जाएगा कि आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बशर्ते आप उसे अच्छे से पढ़ते हैं और बाकायदा इसके नोट्स बना के रखते हैं, तो आपको एज में जो प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होगी। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, यानी जो आपके फादर हैं, फादर और सन की जो वर्तमान आयु का जो आपको रेशियो दिया है, कितना दिया है, 6:1 का रेशियो दिया है। कौन सी आयु है, ये वर्तमान आयु है, लेकिन वो कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है
वो कितना हो जाएगा, वो 4:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो पुत्र की आयु आपको बतानी है कि पुत्र की आयु क्या होगी। अब यहाँ पे अंतर देखिए आप दोनों में, दोनों में यही टर्निंग पॉइंट है वो आपका, यहाँ दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे तो सेम 1 और 1 बराबर है, यहाँ पे अंतर आपका 2 का है। तो हमें क्या क्या करना पड़ता है कि हमें यहाँ भी अंतर और यहाँ भी अंतर, इस साइड अंतर इस साइड अंतर दोनों जगह चाहने आता है, हमें अंतर सेम चाहिए पड़ता है यहाँ और यहाँ। यहाँ अभी कोई अंतर नहीं है यानी दोनों बराबर हैं, और यहाँ आपका अंतर 2 का है, लेकिन हमें दोनों जगह क्या चाहिए, सेम अंतर चाहिए। तो वो कैसे निकालोगे आप, तो आप यहाँ ध्यान से देखें, 6 और 1 में अंतर कितने का है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है, और 4 और 1 में कितने का अंतर है, दोनों के बीच कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, यानी 4 में से 1 माइनस कर दोगे 3 बचेगा, 6 में से 1 माइनस जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। दोनों का हमें क्या देखना है, अंतर देखना है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, तो दोनों में अंतर कितने का है, अब दोनों में अंतर आ गया आपका यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 5 का, तो 3 का तो गुणा कर दोगे आप ऊपर, यानी 3 का गुणा कर दोगे इसमें, 3 का गुणा कर दोगे और 5 का गुणा कर दोगे नीचे, यानी 5 का गुणा कर दोगे इसमें और बराबर कर दोगे, बराबर में यहाँ पे लिख दोगे। तो 3 का गुणा पहले तो आप इसमें करोगे, तो 6 3 18, फिर 3 का इसमें करोगे तो 3 1 3, अब 5 का गुणा इसमें करोगे तो 4 5 20, अब 5 का गुणा 1 में करोगे 5 1 5। अब अंतर देखिए दोनों के बीच, अब आप लोग दोनों के बीच अंतर देखेंगे कितने का है, देखिए यहाँ पे दोनों के बीच अंतर कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ भी है दोनों के बीच अंतर देखिए कितने का है, 2 का। 18 में 2 जोड़ दोगे 20, 3 में 2 जोड़ दोगे 5। तो अब हमारा अंतर क्या आ गया, अब अंतर आया हमारा सेम, यानी जो 2 का आपका मान है, ये 2 का मान है कितना आया, 4, 2 का मान आ गया 4, 1 का मान कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 से 2 बार कट जाएगा तो 1 का मान 2 आ जाएगा। अब 1 का मान आपका 2 आ गया, लेकिन पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 3। अब यहाँ की यहाँ से नहीं निकालेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमने जो यहाँ का अंतर यहाँ से लिया है ना, यहाँ से लिया है, तो यहाँ का अंतर यहाँ आएगा, तो यहीं से हम एज निकालेंगे। तो जो पुत्र की आप वर्तमान आयु निकालोगे, पुत्र की वर्तमान आयु वो क्या होगी आपकी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है आपकी, 3 है, तो 3 का मान निकाल लोगे, 1 का मान कितना है, 2, 3 का मान कितना हो जाएगा, 6 वर्ष, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। आप इसे नोट करें, फिर दोबारा से समझा देता हूँ, चलिए इसे नोट कर लें एक बार, फिर अच्छे से समझा देता हूँ, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, बस इसी पर बेस्ड हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या किया आपको, 5 वर्ष जो वर्तमान आपको आयु दी थी पिता और पुत्र की, यानी फादर और सन की जो आयु दी थी कितनी दी थी, 6:1 के रेशियो में दी थी, और 4 वर्ष बाद जो आपको रेशियो दिया था 4:1 में दिया था। अब क्या करना है, यहाँ पे जो आप अंतर निकाल रहे थे दोनों भी जगह सेम नहीं आ रहा था, तो हमें क्या करना है, अंतर सेम करना है। क्या करोगे, इन दोनों के बीच का अपने अंतर देखा, 4 और 3 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का, और 6 और 1 के बीच में अंतर कितने का है, 5 का। 5 का गुणा हमने नीचे किया, 3 का गुणा हमने ऊपर किया, दोनों में कर दिया, तो 18:3 आ गया, नीचे 20:5 आ गया। अब इन दोनों के बीच हमने रेशियो में अंतर निकाला, तो यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर, अब अंतर हो गया हमारा सेम यानी बराबर हो गया। तो 2 का मान आपको दिया है 4, कहाँ से निकाला, यहाँ से, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 4, 1 का मान 2 निकाल लिया, पुत्र की वर्तमान आयु पूछी थी तो पुत्र का मान था 3, 3 में 2 का गुणा कर दिया, क्या आ गया, 6। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। और चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे, 5वां क्वेश्चन है आपका, पिता की आयु वर्तमान में उनके बेटे की उम्र का 3 गुना है, तो इसमें तो आपको आराम से निकाल सकते हो, पिता की 3 गुना होगी और बेटे की 1 गुना होगी। 4 साल बाद पिता और पुत्र की आयु के बीच का जो अनुपात है क्रमशः क्या हो जाता है, 13:5 हो जाएगा।
तो पिता की वर्तमान आयु निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो। अब कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है इन क्वेश्चनों में। किसी को भी कहीं दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे, जो मैप साइंस एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप जो भी आपको डाउट होता है आप लोग भेज सकते हो। मैप्स इसका है आपका टेलीग्राम, तो आप लोग भेज सकते हो इस पर जो भी आप लोगों को डाउट होता है तो इसमें भेज सकते हो, आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और जो नोट्स मोट्स होते हैं इसी पर ही डाल दिए जाते हैं आपके। तो देखिए, आप पांचवा क्वेश्चन है, पिता की वर्तमान आयु, जो आपके पिताजी हैं उनकी वर्तमान आयु उनके बेटे की उम्र का 3 गुना है, यानी जो उनका पुत्र है उनका क्या है, 3 गुना है। अगर हम इन्हें 1 मान लें तो 1 का ये कितना है, ये 3 गुना है। और आयु कौन सी है आपकी, ये वर्तमान है आपकी, क्या है, वर्तमान है ये क्या है आपकी, वर्तमान है। 4 साल बाद पिता और पुत्र की आयु के बीच का जो अनुपात होता है, 4 साल बाद, जो 4 साल बाद उनके बीच का जो रेशियो हो जाता है कितना हो जाता है, 13:5 का रेशियो हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु निकालिए, आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। हमने क्या बताया था कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो दोनों तरफ सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों तरफ सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है। अगर सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर 13 और 5, 13 में से 5 चला गया कितना, 8, इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 2। अब 2 एकम 2 और 2 चौको 8, इसे आप काट भी सकते हैं, रेशियो में है। तो रेशियो वही होता है कि किसी भी संख्या का सरलतम रूप, उसे हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो आप यहां पे कर दोगे दोनों इक्वेशन में 4 का गुणा, और यहां पे कर दोगे आप 1 का गुणा, ये हमने पहले भी बता दिया है, इसका गुणा इस साइड और इसका गुणा ऊपर, गुणा कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए, अब 4 तिया 12, 4 एकम 4, और यहां पे गुणा करोगे आप 13 एकम 13 और 5 एकम 5। अब देखिए आप दोनों तरह किसका 1 का डिफरेंट है, देखिए दोनों तरह कितने का, 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, दोनों तरह 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे 4 वर्ष का डिफरेंस है। तो 1 का मान तो आपका 4 है, निकालना किसका है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु 12 है, तो 12 का मान निकाल लेंगे, 12 गुणे 1 का मान आपका 4 है, तो क्या हो जाएगा, 12 चौको 48, ये आ गई आपकी 48 वर्ष, किसकी, पिता की, ये आपकी पिताजी की उम्र आ गई, ये पिता की उम्र आ गई, पिता की उम्र कितनी आ गई, 48 वर्ष आ गई। अगर आपसे पुत्र की पूछ लेता, अगर आपसे पुत्र की, यहीं पे पुत्र की पूछ लेता तो क्या करते, इसमें गुणा कर देते आपका 4, तो कितनी हो जाती, पुत्र की 16 वर्ष आ जाती। आप लोग इसे कर सकते हो। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें, 6वां क्वेश्चन है आपका। दो भाइयों की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 1:2 है, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष के बाद आपको रेशियो का अनुपात निकालना है। देखिए, आपको एक एक दो दो सवाल हर टाइप के कराए जा रहे हैं, तो आपको ऐसे टाइप हर जगह थोड़ी ना कोई करा सकता है, ऐसे टाइप आपको ये टाइप बाय टाइप कराए जा रहे हैं। पहले आपको जो सिंपल सवाल दिया गया था जिसमें आपको सिर्फ रेशियो में अंतर ही निकल आता था आपका, सेम अंतर, फिर आपने अंतर क्या किया कि अंतर दोनों के बीच अंतर सेम निकालना किया, फिर उसके बाद आपने गुना में किया, फिर गुना के बाद अब आप क्या करते हैं, अब आप सीधे रेशियो निकालना सीख रहे हैं। तो आप रेशियो निकालना सीखिए। दो भाई हैं, मान लीजिए आपका ये पहला भाई है और ये दूसरा, ये दो भाई हैं, तो इनकी जो वर्तमान आयु का रेशियो है, यानी जो वर्तमान आयु का रेशियो है वो कितना है आपका,
वर्तमान आयु का रेशियो 1:2 है, वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, और 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था? 1:3 था। 5 वर्ष पूर्व कितना था उनका? 1:3 था। तो इनके बीच आप अंतर देखिए, अंतर सेम नहीं है, अंतर हमें सेम करना है। तो क्या करोगे, इसके इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। तो 1 का गुणा तो आप नीचे कर दोगे यहाँ पे, और 2 का गुणा आप ऊपर कर दोगे यहाँ पे, बराबर कर दोगे। तो 2 का पहले तो आप इसमें करोगे, तो 2 एकम 2, फिर 2 का इसमें करोगे, 2 दूनी 4, फिर 1 का इसमें करोगे, 1 एकम 1, फिर 1 का इसमें करोगे, तो 1 एकम 1, यानी 3 एकम 3 आ गया। अब ये रेशियो में आप देखिए अंतर आ रहा है आपका, यहाँ भी अंतर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है, लेकिन आपको यहाँ पे अंतर 5 वर्ष का दिया है। जो 1 का अंतर है वो यहाँ पे कितने का है? यहाँ पे 5 वर्ष का अंतर है आपका, तो 5 वर्ष का अंतर है। तो 1 का मान तो आप निकाल लिया कि 5 आ गया, 1 का मान क्या आ गया? 5 आ गया। 1 का मान 5 आ गया, तो आप यहाँ से पहले भाई की और दूसरे भाई की जो वर्तमान एज है वो निकाल सकते हो। पहले और दूसरे भाई की जो आपकी वर्तमान है, वर्तमान तो आप निकाल सकते हो। 1 का मान 5 है, तो पहले की तो 5 आ गई, और दूसरे की यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालोगे आप। 1 का मान 5 है, तो 2 का मान कहाँ से निकालोगे? यहाँ से, 5 दूनी 10। 1 का मान 5 और 4 का मान कैसे निकालोगे? 4 पंचे 20, ये आपकी वर्तमान आ गई। उसने पूछा है हमसे कि 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब 5 वर्ष के बाद, ये तो आपकी वर्तमान है, 5 वर्ष के बाद यानी प्लस 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद पूछा है, तो इसमें भी क्या करोगे? इसमें भी आप 5 जोड़ दोगे और इसमें भी आप 5 जोड़ दोगे, तो दोनों की 5 वर्ष के बाद आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 15, यहाँ पे हो जाएगा 25। अब इसे आप 5 से काट दोगे, तो 5 3 15, 5 25, तो ये आपका रेशियो आ गया। पहले और दूसरे दोनों भाइयों के बीच अनुपात आ गया आपका 3:5 का, क्या आ गया? रेशियो आ गया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। तो आपको कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी, अगर कहीं भी गलती हो जाती है तो आपको ऑप्शन ऐसे ही दिए गए हैं कि किसी भी ऑप्शन में अगर यहाँ गलती हुई तो वहाँ से टिक हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी पर। देखिए अब आप रेशियो भी निकालना सीख गए, और इसके बाद जो भी आपकी पॉसिबिलिटी होंगी वो आपको धीमे धीमे करा दे रहा हूँ। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चलो दोस्तों, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर दो, 7वां क्वेश्चन है आपका और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, और इसके जो अगला टाइप है नेक्स्ट लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। आपको कहीं भी कोई सा भी आप एग्जाम देने जाओ तो दिक्कत नहीं आएगी। 7वां क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना थी, और 3 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना होगी, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आप लोग ज्ञात कर सकते हो। तो महान आत्माओं जल्दी से इसे कर दें आप लोग। देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिताजी और उनके पुत्र की आयु क्या थी? ये आपकी 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष? 3 वर्ष पहले क्या थी आयु? पुत्र की आयु का 7 गुना थी। तो इसमें ये मान लीजिए आपकी एक पुत्र की है, तो इसका 1 का 7 गुना पिता की है। 3 साल बाद पिता की आयु उसके पुत्र से 4 गुना होगी, यानी इसके 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष बाद आएगा यहाँ पे, कितनी होगी? पुत्र का 4 गुना होगी। तो पिता और पुत्र दोनों की आपको आयु निकालनी है, आप लोग निकाल सकते हैं। अब अंतर क्या है? अंतर सेम नहीं है, अंतर सेम कर लेंगे। यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 6 का अंतर है,
तीन एकम तीन, तीन नूनी छः, ये दो बार कट गया और ये एक बार कट गया। एक का गुणा आप कर दोगे ऊपर, दो का गुणा कर दोगे नीचे, बराबर। तो यहाँ से पुत्र सात एकम सात, पिता की आ गई और पुत्र की आ गई एक। यहाँ में दो का गुणा कर दोगे सो चार दूनी आठ और दो एकम दो। अब अंतर देख लीजिए, एक का यहाँ पे है और एक का यहाँ पे है, सेम अंतर है दोनों में। यहाँ पे अंतर कितना है, माइनस के तीन से प्लस के तीन तक आएंगे तो कितना हो जाएगा छः। तो एक का मान आपका क्या है छः। पूछा क्या है, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की आपको क्या निकाल ली है वर्तमान आयु। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, या तो आप सात की निकाल लो और एक की निकाल लो, या आठ की निकाल लो और दो की निकाल लो। अगर सात और एक यानी पिता और पुत्र की यहाँ से आयु निकाल लोगे तो आएगी तीन वर्ष पहले की, और यहाँ से अगर आयु निकालते हो तो आएगी तीन वर्ष बाद की। तो जोड़ने में सरलता होती है तो हम पहले की निकाल लेते हैं। तो पहले की आप आयु निकालोगे पिता और पुत्र की आयु, तो पिता की आयु क्या, एक का मान है छः, सात का मान निकालोगे कितना आ जाएगा सात छिंग बयालीस, एक का मान है छः, एक का मान निकालोगे क्या आ जाएगा छः, छः आ गया। अब ये जो आपकी आयु आई है ये तीन वर्ष पूर्व की है, कब की है तीन वर्ष पूर्व की है। आपसे पूछा क्या है, वर्तमान पूछा है, तो जब आप वर्तमान में आएंगे यानी भूत से भविष्य में आएंगे तो तीन साल क्या होंगे, तीन साल क्या होंगे जुड़ जाएंगे। तो इसमें भी तीन जोड़ोगे, इसमें भी तीन जोड़ोगे, क्योंकि अपन भविष्य में जा रहे हैं। तो भविष्य में जा रहे हैं तो पिता की कितनी आ जाएगी 45 और पुत्र की आ जाएगी 9। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पिता व पुत्र की जो की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की हो जाएगी 45 व पुत्र की हो जाएगी 9 वर्ष। ये आ गया आपका आंसर। तीन वर्ष अपन ने पहले सात की निकाली थी तो तीन वर्ष पहले की आई थी, हमें निकालना है वर्तमान की। वर्तमान की निकालोगे तो आपको दी थी पास्ट की डेट, तीन वर्ष पूर्व या पास्ट की दी थी, पास्ट से आप पहले आएंगे वर्तमान में तो तीन साल हो गए, वर्तमान के बाद आप आएंगे भविष्य में यानी तीन साल बाद आएंगे। तो इसका आपको रेशियो दिया था, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो क्या हो जाएगा छः हो जाएगा। तो आप यहाँ से एक का मान आपका आ गया छः, अब आप या तो पिता की निकाल लें आप क्या पूर्व की आयु, तीन वर्ष पूर्व की पिता पुत्र की आयु निकाल लें, या तीन वर्ष बाद की निकाल लें। तीन वर्ष पूर्व की निकालोगे तो क्या करोगे, जो पिता पुत्र की आयु आएगी उसमें आप तीन जोड़ दोगे। अगर तीन वर्ष बाद की निकालते हो तो पिता पुत्र की आयु में से तीन तीन माइनस कर दोगे। तो ये हमने तीन वर्ष पहले की निकाली, तीन वर्ष पहले की निकाली तो 42 और 6 आ गई। इसमें हमने वर्तमान एज निकाली तो दोनों में तीन तीन वर्ष हमने क्या किए जोड़ दिए, तीन तीन वर्ष जोड़ दिए। तो पिता की आ गई आपकी, पिता की आयु आ गई 45, पुत्र की आयु आ गई 9 वर्ष। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।